Live 26. Ab entertainment kabhi bhi kahin bhi. So Sonal, sabse pehle to congratulations aur thank you hamare beech aane ke liye. Thank you so much. So Paltan ke liye sab Paltan ready hai jaane ke liye movie dekhne ke liye. Kya kuch pata hai hame Paltan ke bare mein? Kya hai Paltan? Well, Paltan ki I think sabse important jo ek baat hai wo ye hai ki ek aisi kahani hai jo फॉर सम रीज़न छुपाई गई है हमारे देश में किसी मतलब किसी को भी बताई नहीं गई है एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसी वॉर थी एक ऐसी बैटल थी जो इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट जीती थी एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि सभी हिंदुस्तानियों को ये बात उनके सामने रखी जाए उन्हें ये बात पता चले बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही गर्व होने की बात है सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक ऐसी कहानी जो कभी किसी से लोगों से छुपाई गई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जे पी सर की एक फिल्म है वॉर फिल्म है जो जिसके वो एक्सपर्ट हैं वो मतलब वॉर फिल्म उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता सो दैट इज़ वॉट इट इज़ इट्स अबाउट द सेक्रीफाइस दैट आर सोल्जर्स मेक ऑन द बॉर्डर्स एवरी डे the way they risk their lives for just to keep us safe so yeah I think bahut sare layers hain because of which this film is really special so jp sir ki film mein aana wo bhi bahut badi baat hai kis tarah aapka judi us film se main actually unki jo hamari producer hai nidhi datta jo jp sir ki beti bhi hain unko unse main mili thi and I had told her that you know whenever there is an opportunity I would love to work with JP sir because you know he is a legend and every actor wants to be a part of a war film kyunki jab ek war film aap karte hain to aap apne tarike se aap bhi apne desh ko serve kar rahe hain so I had told her and then fir kafi time ke liye hamari baat nahi hui and achanak se one day I got a call that you know papa wants to meet you so I went and met him aur उनको मिलते ही आई थिंक विद इन वन मिनट आई वॉज ऑन फॉर द फिल्म उन्होंने मुझे बोला कि आप फिल्म कर रहे हो एंड आई वाज लाइक रियली दैट्स इट ही सेड या सो दैट्स हाउ इट हैपेंड इट वाज वेरी सिंपल सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जेपी सर भी सबका न्यू फिल्म लेके आ रहे तो क्या कुछ उनके साथ सीखने मिला जानने मिला बहुत कुछ आई थिंक जेपी सर इज सच एन एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर ही इज अ लेजेंडरी फिल्म मेकर उन्होंने कई जनरेशन्स ऑफ फिल्म मेकिंग एंड फिल्म मेकर्स को देखा है तो उनका जो एक्सपीरियंस है दैट इन इटसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन बहुत कुछ उन्हें फिल्म ऑफकोर्स फिल्म मेकिंग में तो ही इज़ फ्लॉलेस बट उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं एंड द वे ही इज़ पैशनेट अबाउट यू नो द आर्मी आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए पर्सनली मिली हैं you know his experiences about and his whole take on what he thinks of the army and their sacrifices and unke alawa jo unke families jinhe wo piche chhod kar jate hain wo bhi utne hi bade heroes hote hain jitne ki hamare jawan hote hain because ye aasan baat nahi hai ki aap jis insaan se itna pyar karte hain jo aapka brother hai ya aapka husband hai aapka beta hai आप उसे जाने दे रहे हैं और ये जानते हुए कि शायद वो कभी वापस ना आए सो बहुत सी चीज़ें हर रोज़ आज भी मैं उनसे सीखती हूँ जब भी उनसे मिलती हूँ सो सो तो लंबे समय बाद सेट पे आना कुछ इमोशन भी था कि इतने दिनों बाद आप सेट पे नहीं एक्चुअली मैं तो सेट पर कॉन्स्टेंटली जा ही रही थी मैं साउथ में बहुत सी फिल्में मैंने की हैं इस दौरान तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी बिकॉज आई हैव बीन ऑन द सेट बट एक अलग फीलिंग ये थी कि ये बहुत ही एक अलग तरीके की फिल्म है एक पेट्रियाटिज़म की फीलिंग थी एक देशभक्ति की फीलिंग थी और मैं जितनी भी बार इंटरव्यूज़ देती हूँ जितनी भी बार मैं कोई भी हमारा पल्टन से रिलेटेड इवेंट होता है सॉन्ग लॉन्च हो या ट्रेलर लॉन्च हो एक पेट्रियाटिज़म की फीलिंग है जो कॉन्स्टेंटली आती है और वही फीलिंग मुझे पहले दिन जब मैं सेट पर गई थी तब भी आई थी अब मुझे मैं हमेशा से जो हमारे जवान थे उनके सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट करती थी लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरी एक पर्सनल एक ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई पर्सनल फैमिली मेम्बर है जो वहाँ पर यू नो हमारे लिए लड़ रहा है और हर हर
सोल्जर के लिए मेरी यही फीलिंग है अब. सो अर्जुन, सोनू, हर्षवर्धन, क्या कुछ था सेट पे और कहाँ आपने शूट किया, कहाँ कहाँ शूट किया? वेल, इन लोगों के साथ बहुत मस्ती थी सेट पर बिकॉज दे आर वेरी वेरी फनी. और अर्जुन और सोनू स्पेशली बिकॉज दे बोथ आर सीनियर्स, तो वो लोग तो सभी की बहुत टांग खींचते थे एंड कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता बिकॉज यू नो दे आर सीनियर्स. सो इट इट वॉज़ वेरी नाइस. हमने जो चंडीगढ़ का स्केड्यूल किया था वहाँ पर सभी लोग एक ही साथ लंच डिनर करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और इन बिटवीन शॉट्स भी बहुत मस्ती होती थी. आई थिंक द ओनली टाइम हम लोग सीरियस होते थे वॉज जब कैमरा ऑन होता था, वरना इट वॉज जस्ट लाफ राइट. सो सोनल, आज आज देखा जा रहा है पैट्रियोटिक फिल्मों को ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है, तो देखा जाए तो कुछ साल पहले जी जी कुछ मेंटली कुछ चेंज हुई ऑडियंस के साथ? नहीं, आई थिंक हम अब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वेल मैं ये नहीं कह सकती कि पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता, मतलब मुझे हमेशा से पेट्रियोटिक फिल्म्स में एक एक अजीब सा एक जोश आता था जब भी मैं उन्हें देखती थी. कभी मैं इवन व्हेन आई स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बिन देयर, बट द डिफरेंस इज़ कि आई थिंक इंडस्ट्री अब पेट्रियाटिक फिल्म्स को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है. बहुत सी फिल्में बन रही हैं एंड दैट्स वाई द ऑडियंस इज़ लविंग इट. अगर पहले भी इतनी बनती तो मुझे लगता है आई थिंक ये एक ऐसी फीलिंग है, पेट्रियाटिज़म की फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है जो कभी भी कम नहीं होती. आई थिंक कभी कभी वो थोड़ी सी आपके अंदर कह सकते हैं कि सो जाती है, उसे जगाना बहुत ज़रूरी है बार बार. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसी फिल्में और बनती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे जवान हैं वो इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं वहाँ पर, एवरी मोमेंट फॉर देम इज़ अ रिस्क. तो आई थिंक हम कम से कम उन लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं और अक्नॉलेज हमें करना चाहिए. तो सोनल, अगर बात की जाए मतलब एक लंबे समय बाद सेट पे आना या फिर मतलब बॉलीवुड में काम करना जी, तो अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखना फैंस के बीच, अपने लोगों के बीच, कितना मुश्किल था? वेल आई थिंक मैंने कुछ भी कॉन्शियसली नहीं किया, बट मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हर किसी को कह सकते हैं कि एक अपना खुद का एक पर्सनल चैनल मिल गया है. वहाँ पर आप यू नो मुझे लगता है जितना आप रियल रहेंगे उतना ही पीपल आपसे, लोग आपसे रिलेट करेंगे एंड दैट्स ऑल आई डिड. मैंने जब इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर मैं थी, मैंने कभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्लान की थी. आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ एंड I think people like me. So, कुछ प्रेशर भी था कि अक्सर देखा गया जेपी सर की फिल्मों में या इस तरह की पेट्रियोटिक फिल्मों में फीमेल एक्ट्रेस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जी, पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, उसको उसका कुछ था? वेल नहीं, तो ये बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये फिल्म एक वॉर फिल्म है तो उसमें जो मेन फोकस है वो ऑब्वियसली जो जो जवान जवानों का जो आर्मी ऑफिसर्स के जो रोल्स प्ले कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर मेन फोकस रहेगा. और इस बात से मैं 100% अवेयर थी, मुझे पता था कि ये है, लेकिन फिर भी मैं जेपी सर की एक फ़िल्म करना चाहती थी बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आप कितना भी, मतलब मैंने जेपी सर को कहा था कि ये कितना भी कैसा भी रोल हो ये मुझे करना है, क्योंकि मुझे लगेगा कि ये, जेपी सर ने भी कहा था कि जब आप एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो दिस इज़ योर वे ऑफ सर्विंग द नेशन. एंड मुझे लगता है कि इन व्हाटएवर कैपेसिटी जो भी मैंने किया है फिल्म में, I would have served the nation and I will be a part of the history, क्योंकि ये एक ऐसी history का एक ऐसा पन्ना है जिसे पलट दिया गया था and now people will read it. So I'm just proud to be a part of it. अगर एक्टर के तौर पे ना देखा जाए, एक आम इंसान के तौर पे जब आप सुनती हैं कश्मीर में कुछ होता है अपने सोल्जर्स के ऊपर या इनके चाइना में कुछ, क्या कुछ आता आपके जहन में? सो आई एम अ वेरी पेट्रियाटिक पर्सन एंड आई एम वेरी मतलब आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर आर सोल्जर्स, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पर हमारे लिए अपनी यू नो लाइफ्स को सैक्रिफाइस करते हैं, रिस्क करते हैं. मैंने तो कुछ मतलब ऐसे बहुत से फोटोग्राफ्स देखे हैं जो सियाचिन में मतलब कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्हें रहना पड़ता है. तो एंड मेरी पर्सनली मेरी फैमिली में भी मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, मेरे अभी भी फैमिली में आर्मी में बहुत से लोग हैं. सो हमारा एक पर्सनल एक कनेक्शन है एंड आई डू थिंक
और ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ और अभी भी बोलूँगी कि उन्हें उतना अक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता. दे आर रियली रियली यू नो जस्ट रेडी टू कीप गिव अप देयर लाइव्स फॉर अस एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट दैट एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट द फ्रीडम दैट वी हैव इन दिस कंट्री. आई थिंक हम बहुत सी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं लाइफ में. आई थिंक वी गॉट लाइक ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड आई थिंक उससे ये जो कॉम्बिनेशन है जावेद अख्तर साहब का एंड अनु मलिक जी एंड सोनू निगम, तो ये आई थिंक बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन है क्योंकि इन लोगों ने जो सॉन्ग्स निकाले हैं मुझे आज तक याद है कि जब मैंने पहली बार मैं जिंदा हूँ जो हमारा सॉन्ग है सुना था तो मैं और हमारे साथ जितने भी लोग उस कमरे में बैठे थे सब रो रहे थे. एंड ये जो एक इमोशन है ये जावेद साहब ही आपके अंदर से निकाल सकते हैं क्योंकि आई थिंक वो पता नहीं मतलब वो बहुत ही आसानी से ऐसी बातें कह जाते हैं जो आई थिंक उन्हें भी नहीं रियलाइज होता है, बट ही इज़ जस्ट सो अमेजिंग. सो वी आर जस्ट ब्लेस्ड दैट वी गॉट जी. उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? वेल महेश सर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उस फिल्म में विद्युत जामवाल भी हैं. इट्स बेसिकली अ गैंगस्टर ड्रामा और उसमें एक देवदास का एक एंगल है. हाँ जी, सो दैट्स ऑल दैट आई कैन टॉक अबाउट इट राइट नाउ. सो पल्टन के चाहने वालों को क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लास्ट? मैं पल्टन के चाहने वालों को यही कहना चाहूँगी कि ये एक कहानी है जो आप सबको जानना चाहिए और इस फिल्म में बहुत मेहनत हुई है. हमारे जो असली आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इसमें एक्ट किया है. बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट भी हुई है, बहुत मेहनत लगी है. तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड आप इसे अपना जितना प्यार दे सकते हैं वो दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.